एवरीवन, वेलकम टू कविता ई ट्यूटोरियल्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 साइंस के चैप्टर नंबर 5 कोल एंड पेट्रोलियम्स के टॉप 40 एमसीक्यूज का पार्ट 2। पार्ट 2 में हम कवर करेंगे 20 एमसीक्यूज। पार्ट 1 को ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को ध्यान से देखना होगा। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इन्फीरियर एंड सॉफ्टेस्ट फॉर्म ऑफ कोल इज, इनमें से कोयले का सबसे इन्फीरियर और सॉफ्टेस्ट फॉर्म आपने बताना है पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस या एंथ्रासाइट। इसका आंसर रहेगा पीट। प्लांट्स और वेजिटेबल्स की डिकम्पोजिशन के बाद पीट की फॉर्मेशन होती है, इसलिए ये सबसे इन्फीरियर और सॉफ्टेस्ट फॉर्म होता है। लिग्नाइट में कार्बन कंटेंट सबसे कम होता है, इसलिए इसे ब्राउन कोल कहा जाता है, जबकि एंथ्रासाइट में कार्बन कंटेंट सबसे ज्यादा होता है और ये सबसे बेस्ट कोल माना जाता है। क्वेश्चन, विच कंट्रीज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम सबसे ज्यादा किस कंट्री में प्रोड्यूस किया जाता है, सऊदी अरेबिया, चाइना, इंडिया या पाकिस्तान। लीडिंग प्रोड्यूसर पेट्रोलियम का सऊदी अरेबिया, जबकि सबसे ज्यादा पेट्रोलियम का यूज किया जाता है चाइना में। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एग्जांपल ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है एनर्जी जो हमें नेचर से मिलती है और एक बार यूज करने के बाद हम फिर से पुनः यूज कर सकते हैं। तो इनमें से रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है वाटर, विंड, सोलर या नन ऑफ ऑल। इसका आंसर आएगा डी, नन ऑफ ऑल। वाटर, सोलर और विंड, ये तीनों है नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी, नेचर से जो हमें एनर्जी मिलती है और साथ में इन्हें एक बार यूज करने के बाद हम फिर से यूज कर सकते हैं। 4, पेट्रा एंड ओलियम रेफर्स टू ऑयल एंड रॉक, रॉक एंड ऑयल, कोल एंड पेट्रोल या नन ऑफ ऑल। पेट्रा का मतलब होता है रॉक, जबकि ओलियम का मतलब ऑयल होता है। पेट्रा और ओलियम का मतलब क्या होगा, रॉक एंड ऑयल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोकेमिकल्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ, किसे बनाने में पेट्रोकेमिकल्स का यूज किया जाता है, फाइबर्स, डिटर्जेंट्स, पॉलीथीन या ऑल द अबव। आंसर रहेगा ए, फाइबर्स। क्वेश्चन नंबर 6, एनीथिंग दैट बर्न्स टू प्रोड्यूस एनर्जी इन एन एफिशिएंट मैनर इज कॉल्ड, पेट्रोल, केरोसिन, फ्यूल या नन ऑफ ऑल। क्या आंसर रहेगा इसका, फ्यूल। क्वेश्चन नंबर 7, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ केरोसिन इनटू गैसियस हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड, केरोसिन का गैसियस हाइड्रोकार्बन में कन्वर्जन के प्रोसेस को बोलते कैटिनेशन, कार्बोनिफिकेशन, कैटेजिनेसिस या ऑल द अबव। इसका आंसर रहेगा कैटेजिनेसिस। पीट का कोल में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को क्या बोला जाता है, कार्बोनिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ फॉसिल फ्यूल, इनमें से फॉसिल फ्यूल का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है, वुड, कोल, पेट्रोलियम या नेचुरल गैस। क्या आंसर रहेगा इसका, वुड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, नेचुरल गैस स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर इज कॉल्ड, सीएनजी, एलपीजी, केएलजी या डीडीटी। का आंसर रहेगा सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्वेश्चन नंबर 10, द प्रोडक्ट ऑब्टेंड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल इज, कोले की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से इनमें से कौन सा प्रोडक्ट ऑब्टेंड होता है, कोल्टार, कोक, कोल गैस या ऑल द अबव। क्या आंसर रहेगा इसका, डी, ऑल द अबव। कोल्टार, कोल गैस और कोक, ये तीनों हमें कोयले की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्राउन वेराइटी ऑफ कोल इज, इनमें से कोयले की ब्राउन वेराइटी कौन सी, लिग्नाइट, पीट, एंथ्रासाइट या नन ऑफ ऑल। ब्राउन कोल कहा जाता है लिग्नाइट को, क्योंकि लिग्नाइट में कार्बन कंटेंट सबसे कम होता है। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मच परसेंटेज ऑफ कार्बन इज प्रेजेंट इन बिटुमिनस, बिटुमिनस में कार्बन की कितनी मात्रा पाई जाती है, 20-25%, 25-35%, 65-85% या नन ऑफ ऑल। इसका आंसर रहेगा 65-85%। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग मिनरल इज प्रेजेंट इन कोल, कोल में, कोयले में, इनमें से कौन सा मिनरल प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर या ऑल द अबव। इसका आंसर रहेगा डी, ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल कंटेंट मेनली आयरन, कार्बन, मैग्नीशियम या सल्फर, मेनली कोल में होता है कार्बन कंटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री वॉज फर्स्ट ऑयल वेल ड्रिल्ड, सबसे पहला जो तेल का कुआं है वो किस कंट्री में ड्रिल किया गया था, यूएई, पाकिस्तान, इंडिया या यूएसए। इसका आंसर रहेगा यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटोमोबाइल्स में मोस्ट कॉमन एनर्जी के सोर्सेज कौन कौन से, वुड एंड कोल, पेट्रोलियम एंड डीजल, एलपीजी एंड काउ डंग या नेचुरल गैस एंड कोल, पेट्रोलियम और डीजल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल वॉज फॉर्म ड्यूरिंग फर्स्ट फ्री कार्बोनिफेरस पीरियड, एटाइनिक पीरियड या एनायनिक पीरियड। कोल फॉर्म हुआ था कार्बोनिफेरस पीरियड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप ऑफ कोल दैट कैन सर्व एज गुड हीटिंग फ्यूल फॉर डोमेस्टिक पर्पस इज बिटुमिनस, बॉक्साइट, एंथ्रासाइट या लिग्नाइट। डोमेस्टिक पर्पस से जो हीटिंग फ्यूल घर पर हम यूज करते हैं, इनमें से कौन सा होगा, एंथ्रासाइट, क्योंकि एंथ्रासाइट में कार्बन कंटेंट सबसे अच्छा होता है और ये सबसे बेस्ट कोल माना जाता है। नंबर 19, व्हाई व्हाट प्रोसेस इज पेट्रोलियम रिफाइंड, किस प्रोसेस से पेट्रोलियम को रिफाइंड किया जाता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, डिस्ट्रक्टिव
डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन या नन ऑफ ऑल? इसका आंसर आएगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, लास्ट क्वेश्चन आप सोल्व करोगे और आंसर आपने मुझे कमेंट करना है। फॉसिल फ्यूल्स आर रिन्यूएबल सोर्सेज फॉर्म्ड नेचुरली, फॉर्म्ड आर्टिफिशियली या नॉन कम्बस्टिबल? आंसर जरूर कमेंट कीजिए। ये थे आज के टॉप 20 MCQs। चैप्टर 6 के MCQs के लिए नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए और वीडियो से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए कविता ई ट्यूटोरियल्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।